अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, बुला रहा है वतन तुम्हारा मुखकार, अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, शांति। याद में बाप के करंट खींचने वाले विशेषताएं रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले महादानियों को गॉडली मॉर्निंग। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। तैयार हैं सब जाने के लिए? तैयार तो हैं, लेकिन तैयारी पूरी है? चेक करें, कर्मातीत बन गए, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बन गए। आंखों के सामने कलयुगी कुछ भी आए या कोई भी आए देहधारी, तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया? क्या हम सतयुगी खुशबूदार फूल बन गए, फ्लॉलेस डायमंड बन गए हैं, चैतन्य हीरे हैं सभी, अथा लवली प्योर बने हैं, खुद को ट्रस्टी समझ हड्डी सर्विस करते हैं, आदि आदि। इनमें से एक का भी उत्तर यदि नहीं में है, तो फिर कहाँ तैयार हैं? अभी जाने से पहले इन सभी परीक्षाओं में पास होना है, तैयारी पूरी करनी है, फिर तो बाबा अपने आप पलकों पर बिठाकर ले जाएंगे। तो कैसे हो तैयार, जानने के लिए सुनते हैं 22 मई 2024 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें परमातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए, अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। कर्म का फल कोई भी, चाहे अच्छा हो या बुरा, हम इससे प्रभावित तो नहीं होते, न्यारे बन गए, कर्म के फल के प्रभाव से अतीत हो गए, न्यारे बन गए, चेक करना है। बाबा कहते हैं अंदर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, एक भी विकार का अंश मात्र भी नहीं हो। बाबा कहते हैं पहले चेक करो, कमी है तो फिर उसको चेंज करो, जांच करो, कमियां निकालो और परिवर्तन करो। अवगुण खत्म होने चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं, तब होंगे ना तैयार। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है, कौन सी अवस्था चाहिए और उसको कैसे प्राप्त करें? उत्तर में बाबा कहते इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, मन बुद्धि में कोई भी विनाशी वस्तु न हो, विनाशी संबंध न आए। बाबा कहते इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है, आत्म अभिमानी अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, सिर्फ बाप और घर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा याद करना है, और तो जहाँ पे आना है वापस, वर्षा स्वर्ग, उसको याद कर ले, तो बाप, शांति धाम और सुख धाम। बाबा कहते इसके अलावा कोई भी वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है। अब चेक करें, बाप और घर के अलावा और कुछ याद आता है?
तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। तो अपनी ऐसी अवस्था का चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे रूहानी बच्चे, यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी हैं। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, कॉमन कायदा है ना, जितना करेगा उतना पाएगा। तो यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा। बगीचा बोलेंगे अथवा कांटों का जंगल, क्या बोलेंगे, कैक्टस है ना सब तरफ। तो अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। हाँ अभी तो देख ही रहे हैं कैसे कैसे आम आ रहे हैं। देखो नाम आम है लेकिन खास लोग ही खाते हैं, कोई कम रस वाले और कोई बाबा कहते हैं बहुत अच्छे आम होते हैं। तो फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं, वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, क्वालिटी अलग अलग है ना। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है कल्प पहले मिसल। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। चेक करो हमारे अंदर मिठास भर रही है, खुशबू बढ़ रही है। अब तो परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है, किरदार से खुशबू आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सब वैरायटी है ना, बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है जरूर, बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक पने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। सुख और दुख का खेल बाबा कहते हैं बना हुआ है और भारतवासियों के लिए ही है। और हद के मालिक पने में दुख है। जितनी भी हद की जो मालकियत है, जो हद के मालिक हैं, उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है, पूछो उनसे क्या वो सुखी हैं, शांत हैं, संतुष्ट हैं। तो बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, मालिक जो है उसको अपने घर का ध्यान रहता है। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं, बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ तो झट लिख सकते हैं, सबको पता है ना अपना। बाबा कहते देखो अपनी विशेषताएं भी जानो और अपनी कमियों को भी जानो। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है, कल्प कल्प बने हैं इसमें कोई संशय नहीं। देखो बाबा तो हमारा संपूर्ण रूप देखते हैं, संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप बाबा हमारा देखते हैं। बाबा कहते हैं बनेंगे जरूर, इसमें संशय नहीं है, परंतु इस समय खामी है। तो जो मार्जिन है, जो गैप है, वो हमें पूरा करना है। अपने संपूर्ण स्वरूप को हमें योग में अनुभव करना है और फिर जो मार्जिन है, जो कमी है, जो दूरी है, वो तय करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे किया ना, देखो व्यक्त से अव्यक्त हुए। तो बाबा कहते हैं परंतु इस समय खामी है। वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। अपनी कोई कमी कमजोरी बताएं तो बाबा फिर उस टॉपिक पर मुरली चलाएंगे, समझाएंगे, श्रीमत देंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण।
वह फिर बहुत हैरान करती हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। अब नहीं बताएंगे, अब हल नहीं लेंगे, अब परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बाबा कहते हैं पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं, कर्मातीत होकर जाना है। क्या मतलब है? बाबा कहते हैं कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना, कोई भी दाग नहीं हो, कमी नहीं हो, इम्प्योरिटी नहीं हो, क्लीन हीरा, फ्लॉलेस बेदाग हीरा बनना है, तब बनेंगे कर्मातीत। हमारे में क्या क्या फ्लॉ है यह तो हरेक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे को तो पता नहीं ना, लेकिन हम चैतन्य हीरे हैं, हमें पता है हमारे में क्या कमियां हैं। जड़ हीरे में फ्लॉ होगा तो वह निकाल थोड़े ही सकेंगे। आजकल देखो कितना ट्रीट करते हैं ना, ट्रीटमेंट करते हैं और केमिकल में डालते हैं, तो उसकी भी इम्प्योरिटी निकालने की कोशिश करते हैं, लैब में भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लॉ को निकाल सकते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अभी निकालेंगे तब तो संपूर्ण बनेंगे ना, तब तो फ्लॉलेस बनेंगे। अगर फ्लॉ नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। क्लैरिटी देखते हैं ना हीरे में, तो यदि फ्लॉ नहीं निकला तो देखो दाम कम मिलता है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना, दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा हीरे के व्यापारी, और शिव बाबा तो देखो असली जौहरी। तो सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। बाबा ने तो कितना व्यापार किया ना हीरे का, ब्रह्मा बाबा ने। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। बाबा बहुत अच्छे व्यापारी थे, कुशल व्यापारी। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लॉ है जरूर, संपूर्ण बने नहीं हैं। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लॉ निकाल सकते हो। यदि ईमानदारी से ये पता लग जाए कि हमारे में ये कमी है, मान ले और फिर ठान ले कि इसको खत्म करना ही है, तो आधी जंग तो जीत गए। और फिर दृढ़ता से पुरुषार्थ करना है तो बन जाएंगे फ्लॉलेस। हम तो बाबा को बताओ और विधि जानो, कैसे ठीक हो, कैसे अपनी कमियों को दूर करें, और फिर बाबा मदद करते हैं। हमें हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है, तो बाबा मदद करेंगे। तो सो तो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। हीरे जैसा बनना तो है जरूर, तो हीरा भल पहनो, लेकिन बनना भी है हमें फ्लॉलेस डायमंड। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए, यह तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है। किससे रखना है? एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, यह जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो, हर एक जौहरी हो, परखो अपने को। यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। जिन्होंने पुरुषार्थ किया, ऊंच पद पाया, तो वो है तो तुम्हारे में से ही ना, हमारे बीच में से ही कोई है। कौन है? देखो श्री लक्ष्मी श्री नारायण यहीं से निकले हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना। यह कैसा खुशबूदार फूल है, यह कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ है? क्योंकि तुम चैतन्य हो, चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तोड़ाए कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। चेक करो हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, किस में जाती है, तो फिर
वही हमारे में कमी है जो हमारी मन बुद्धि को बाबा से विमुख कर देते हैं, हम बाबा से दूर होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं चैतन्य हीरो को ये पता है कि हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, दूसरा कोई याद न आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। रामा में उनका पाठ था, देखो पहले वाली जो आत्माएं आई यज्ञ की स्थापना के समय, तो बाबा कहते इन्हों की तो भट्टी बननी थी, 14 साल की वो भट्टी, पता है ना इतिहास सबने पढ़ा है ना। तो बाबा कहते जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। भल कितने साल से भी यज्ञ में है लेकिन बाबा कहते खामियां तो हैं। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी, मैं आत्मा मालिक और इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। चेक करो जब योग में बैठते हैं, भल आंख बंद करते हैं या आंख खुली रखते हैं, बाबा को याद करते समय क्या आता है मन में, क्या दिखता है, कौन दिखता है, बुद्धि कहाँ जाती है, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद न आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। जो भी बुद्धि में आ रहा है क्या उसको साथ ले जाएंगे? पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। बाबा से संबंध स्थापित करना है, पुराना एक भी संबंध ही याद न आए, कोई भी साथ नहीं जाएगा, कहाँ तक साथ देगा, सिर्फ बाबा ही है जो अपने साथ लेकर जाएगा। तो बाबा कहते हैं पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वेश्या योनि वलवल उतरे, अंतकाल जो पुत्र सिमरे सुकर योनि वलवल उतरे, अंतकाल जो धन सिमरे सर्प योनि वलवल उतरे, और अंतकाल जो नारायण सिमरे देवता योनि वलवल उतरे। तो जैसी याद होगी वैसी गति होगी, वैसा जन्म होगा। बाबा कहते ये अभी की बात है, गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं परंतु वह समझते थोड़ी हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। एक बाप की याद से क्या फायदा है, एक बाप की याद से एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। बाबा ने कहा हीरा बनो, कैसे बनेंगे, विधि भी बताते हैं बाबा कि एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे और पवित्र हीरे तुम बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं, रूबी भी वैल्यूबल है। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा, देखो बच्चों को आगे लाते हैं, फ्रंट में रखते हैं। तो बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो अपने में, देखो हमारे में क्या खामी है। अंतर्मुख, अपना मुख देखो, कौन सा मुख देखना है, आत्मा खुद को देखे ज्ञान दर्पण में। बाबा जो जो बातें मुरली में बोलते हैं, जो जो हमें बनने के लिए कहते हैं, क्या हम करते हैं बने हैं? तो बाबा कहते हैं अंतर्मुख हो अपने में देखो, खुद को चेक करो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है,
बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, जितना हो सके एक की याद रहे, भले कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसकी याद न आए। बच्चे पोता पोती किसी की भी याद न आए, यहाँ की कोई भी चीज़ याद न आए, भले महंगी से महंगी इम्पोर्टेड चीज़ हो, खरीदा हो आपने, बहुत संभाल के रखा हो, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब कुछ न याद आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है, बाप कहते हैं उन सबसे ममत्व मिटाए, एक की याद रखो, सबसे नष्टो मोहा बन जाओ। हाँ, नष्टो मोहा और मोह जीत। मोह किससे हो? मोह रखने ही है तो एक बाबा से, एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है, एक से ही सब कुछ मिल जाएगा, एक में ही सब कुछ मिल जाएगा। कब? जब हम एक के लिए ही सब कुछ करें तब। तो एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है, योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। बनना है फेयर एंड लवली प्योर, बाबा को याद करना है, फेयर एंड लवली लगाने की बात नहीं है, बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं अथाह लवली बनेंगे, तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है, इतने प्यारे बन जाते हैं कि बाबा कहते हैं देखो 2500 साल पूजा होती है, अभी तक पूजा हो रही, देख रहे हैं ना मंदिरों में कैसे नारे लग रहे हैं, कैसे घंटे बज रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है, बहुत लवली बनते हो ना, आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो, तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो, खुद ही पुजारी बन के अपने ही मूर्तियों चित्रों को पूजते हो, तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। ये भी विधि बता दी बाबा ने, लवली कैसे बनेंगे, लवली बाप को याद करने से, सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए, ये है शर्त, याद और कोई ना आए, सिर्फ एक बाबा। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं, बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं, मोती झड़ते हैं हाँ, या दुख से रोते हैं अभी भी बाबा के सामने, प्रेम के आंसू आए, बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए, तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है, हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है, बांट रखा है लव को, या लव जैसा कुछ और किसी के लिए। बाबा कहते हैं चेक करना है, हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है, भल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए, कोई कितना भी अच्छा हो, बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी बहुत अच्छा हो आपको लगता हो, लेकिन बाबा जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना, भल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए, तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो, कहावत है ना एक अनार सौ बीमार, एक माशूक के सब आशिक, आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, हाँ एक नजर देखा कभी और देखो फिर उसी की याद में उसी के ख्यालों में पूरा जीवन बिता देते हैं, ऐसे भी आशिक माशूक शादी आदि भी नहीं करते, जो सच्चा प्यार है तो वो कोई शादी की विकार की बात नहीं है, रहते भी अलग हैं परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है, अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के,
उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकि वह सम्मुख है। चेक करें, हम भक्ति में ज़्यादा याद करते थे भगवान को अनजाने में ही श्रद्धा से, या फिर अभी करते हैं। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। भक्ति पूरी हुई तभी तो भगवान मिला ना, लेकिन भगवान को पूरी तरह पाना है तो फिर अज्ञान मार्ग में चलना होगा। भक्ति अंश मात्र भी नहीं, यदि पूरी तरह पाना है तो। तो बाबा कहते हैं, भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, हड्डी हड्डी अपनी सर्विस में लगा दिया, दिन रात अथक होकर सेवा कर रहे हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो यह लायक है व नहीं, दृष्टि तो उनको तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने हमें समझाया, अब औरों को समझाना है। बाबा कहते हैं, मैंने तो बच्चों को बताया, बच्चे ही आगे जाकर और अपने भाई बहनों को लाते हैं, सजाते हैं। बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं। बाबा धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, हाँ तारीफ करते हैं, देखो महिमा करते हैं बच्चों की कि तुम श्रृंगारित हुए और फिर औरों का भी वैसा ही श्रृंगार करा के करके यहाँ लेकर आते हो। बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं, हाँ जो ज्ञान दे और जो आत्मा ज्ञान ले, जरूरी नहीं है कि ज्ञान लेने वाली आत्मा उसके पीछे ही रहे, वो तो और भी तीखी जा सकती है, और भी आगे जा सकती है ना। तो अपना अपना पुरुषार्थ है। मम्मा देखो, मम्मा को जिन्होंने ज्ञान दिया आज वो यज्ञ में है ही नहीं, और मम्मा कितनी तीखी चली गई। तो बाबा कहते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं, सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं, आगे चले जाते हैं, सेवा पर निकल जाते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। सर्विस करेंगे तो बाप दादा को तो बहुत पसंद आते हैं ना सर्विसेबल बच्चे। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं, इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इनमें क्या क्या कमी है। यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बागवान है ना, बाबा देखो बगीचे का मालिक, बागवान, हम सब अल्लाह के बगीचे के फूल हैं। दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। हॉल में, हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही है, बाबा कहते हैं दिल करता है कि पीछे जाके उठ के बच्चों को भी देखूं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, क्योंकि यदि महारथी आगे नहीं बैठेंगे, आगे यदि कम पुरुषार्थ करने वाले बैठे, गफलत करने वाले बैठे, आलस करने वाले बैठे तो झुटके खाएंगे, सोएंगे, और महारथी तो देखो अलर्ट होके बैठेंगे तो फिर पीछे वाले भी देखेंगे कि आगे वाले सब अच्छी तरह बैठे हैं तो हम भी ध्यान से सुने। तो बाबा कहते हैं महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सीनियर हैं, बाबा से पहले से शुरू से डायरेक्शन लेकर काम करते हैं, तो ऐसे महारथी सर्विसेबल को तो आगे ही बैठना चाहिए ना। बाबा कहते हैं इसमें और किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, रूठना नहीं है कि ये क्यों आगे बैठे, इनको क्यों चांस मिला है। बाबा कहते हैं इस तरह से रूठे माना अपनी तकदीर से रूठेंगे, बल्कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमको भी फ्रंट में आने का मौका मिले, महारथियों की लिस्ट में हमारा भी नाम हो। तो ये जज्बा होना चाहिए, ये पुरुषार्थ करना है।
सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है। यह बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है। हाँ बाबा, तो बाबा के पास तो एक्सरे मशीन है ना, आत्मा को देखता है और आत्मा भी देख लेते हैं बाबा कि कैसी आत्मा है। तो बाबा को तो सब कुछ पता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को तो सामने फूलों को देखकर अथाह खुशी होती है कि ये अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये साफ है, किसी में जंक है, तो वह सारा कचड़ा निकालना है। बाबा सबको देख के और फिर कहते हैं कि इसकी जो कमी है वो सब मुझे निकालनी है, वैसा ही डायरेक्शन देना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। देखो बाबा कह रहे स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं, चिताएं जलती हैं और तुरंत दूसरी बारात लेकर वापस चले जाते हैं। चिता पूरी ठंडी भी नहीं हुई और दूसरी शादी तैयार रहती है, बारात तैयार रहती है। तो बाबा कहते हैं वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं, स्त्री का तो पति गया बस, या हुसैन करती रहती है, माना रोती है। अब आजकल तो ये भी कहानी अलग ही है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। अब उस समय की बात है, ये तो साकार मुरली है, तो उस समय इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती थी, स्त्री और पुरुष की जो बातें हैं बाबा वो बता रहे हैं। अब आजकल तो सारा इक्वेशन ही सब उल्टा सीधा है, हाँ सब कुछ अलग है। तो बाबा कहते हैं पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है, माना एक संबंध खत्म तो दूसरा कर लेंगे। एक संबंध खत्म होने का भी आजकल तो कोई इंतजार नहीं करता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। देखो तभी तो कहते हैं ना तमो प्रधानता है, कलयुग भी एकदम अपने अंतिम चरण पर है। तो बाबा कहते हैं शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना, मुंबई में हैंगिंग गार्डन, वहाँ पे वो लॉन्ग बूट है ना, तो बाबा वहाँ जाते थे कभी, तो जब वो बूट देखते थे तो कहते देखो मेरा भी लॉन्ग बूट है, मैंने ये तन लोन लिया हुआ है, तो मेरा भी लॉन्ग बूट है। और हाइट भी बहुत अच्छी थी ब्रह्मा बाबा की, तो शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुत्तियाँ भी चार पांच रखते हैं। अब आजकल तो चार पांच क्या, हाँ उसके आगे 100 लगा दें, 1000 लगा दें। हाँ देखो कैसे कैसे शौक हैं, शोमैन चाहते हैं लोग बने, शोमैन बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुत्तियाँ भी चार पांच रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है। आत्मा की जुत्ती तो एक है, शरीर एक है, लेकिन पाँव की जुत्तियाँ देखो कितनी हजारों में है, सैकड़ों में है, कलेक्शन का शौक है। तो बाबा कहते हैं पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए। हाँ बाबा ने कह दिया, श्रीमद क्या कहती है, पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए। निकाल दो, ब्राह्मण ही चेक करें सब कितनी जुत्तियाँ हैं। हाँ बाबा कहते हैं परंतु यह एक फैशन पड़ गया है, बाबा को भी पता है ये फैशन पड़ गया है। तो देखो बाबा ने लॉन्ग बोट की बात की, ब्रह्मा बाबा का भी तन ना पूरे 84 जन्म लिए, तो पुरानी आत्मा पुराना तन लॉन्ग बोट। और बाबा कहते हैं कई तो पांव की कितनी जुत्तियां रखते हैं, आत्मा की जुत्ती एक, पांव की जुत्ती अनेक, तो फैशन है। बच्चे क्या बोलेंगे, बाबा ड्रामा है ये। हाँ बच्चों के पास भी पूरा जवाब रहता है। तो अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं, हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, जरूर हेवनली गॉडफादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमद पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है,
कैसे आलीशान घर बनाते? बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे, तुम वहाँ क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं। हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं। ट्रस्टी को पता होता है कि हम मालिक नहीं हैं, हमें तो देखभाल करनी है बस, बाबा ही मालिक है, यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकारों की बुद्धि में तो यह बातें आ न सकें। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो, बाबा से पूछ कर करो, बताओ। लिखते हैं बाबा मकान बनाऊं, बाबा कहेंगे भल बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो, बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर। चलो अभी आप मकान बना लो, रह लो, लेकिन फिर तो बाप के साथ अपने घर जाना ही है ना। चलो मुसाफिर, अब तो घर पूरा हुआ ये सफर। तो बाबा कहते हैं बाप तो जाएंगे, सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में, हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने, अपने समय पर आता हूँ। और आकर क्या करता हूँ? कहता हूँ चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है, अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है, वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरा, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप दादा समझाते हैं, इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है, आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है, फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है, इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। संपूर्ण पवित्र, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ पवित्र, हाँ, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी, संपूर्ण पवित्र। यज्ञ में एक पुस्तक है संपूर्ण पवित्रता, वो सभी को पढ़ना है। तो ये कब आएगी पवित्रता? जब एक व्रता का पाठ पक्का हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। बाबा कहते हैं ना, सहन करो तो शहनशाह बनोगे। और अभी जो गाली दे रहा है, जो ग्लानी कर रहा है, वो आपके गले में पुष्पों की माला पहनाएंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यदि आप रिएक्ट नहीं करो तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? और आपसे अच्छे वाइब्रेशन जाते रहेंगे, शांति के, शुभकामना के वाइब्रेशन जाएंगे, तो फिर अंत में जीत आपकी होगी, वो गले आपको लगाएंगे। बाबा कहते हैं ना, तो करो इसको प्रैक्टिकल अनुभव, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा। तो ये थी आज की मुरली।
आज के 5 पॉइंट क्या बोला बाबा ने, क्या करना है, क्या बनना है, फ्लॉलेस डायमंड। दूसरा, अंतर्मुखी बन के खुद को चेक करना है, चेंज करना है। तीसरा, ट्रस्टी। चौथा, एक व्रता। और पांचवा, सहन करने वाले शहंशाह बनना है, शीतला देवी बनना है। ओम शांति। I'm not afraid.